करता हूँ और वो खुल के बोले जो उनके मन में है, कोई आपका मन से डरने की जरूरत नहीं, खुल के बोले जो आपका मन है। हमारी पुत्री जो है रण योगी जी, सर्वप्रथम बाबा गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में श्रद्धा के अपने सुमन अर्पित करती हूँ और सम्मानित मंच आज की सदस्य, आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय जयप्रकाश जी और मंच पर आसीन फरीदाबाद से आए भाई तेजपाल जी और डॉक्टर किरण जी और मैं बस शॉर्टकट में सबके नाम ले लेती हूँ क्योंकि बहुत नाम है मेरे। सतीश उपाध्याय जी हैं, बबलू उपाध्याय जी हैं और हमारे इंदौर से आए भाई राकेश उपाध्याय जी और उनके समझी का मैं नाम नहीं जानती हूँ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मंच पर आसीन सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाजियाबाद से आए हरे किशन उपाध्याय जी, अभी किसी को ये बात बता नहीं चली है वो कोषाध्यक्ष बने, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। और एक बात बताना चाहूंगी कि आज के इस प्रोग्राम में वेदपाल भाई जी ध्यान दीजिए जरा, आज के इस प्रोग्राम में हरे किशन उपाध्याय जी पूरी भर भर के लाए और बस ले तो सभी आते हैं लेकिन खाली आती है, वो भर के लाए मैंने खुद देखा। और आज के मेरे जो भाई लोग आए मैं पूरे मंच को सम्मान देते हुए और लोनी गाजियाबाद से मेरी टीम आई है भाई विनोद जोगी जी हैं, उनके साथ बुजुर्ग हैं हमारे, उनके नाम से मैं थोड़ा भूल जाती हूँ बार बार, और रामनिवास जी और मोदीनगर से भी मेरी बहुत मजबूत टीम है, एक रामनिवास जी श्रीनिवास जी जो है उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सबसे मेन जो मेरे सभी भाई और बड़े बुजुर्ग आए हैं उनको मैं बहुत सम्मान देती हूँ और जो एक ग्रुप बना हुआ है जोगी समाज जोगी विजन का जो ग्रुप बना है उसमें रविंदर भाई जी हैं और दिनेश उपाध्याय जी हैं और उस पूरी टीम को मैं बहुत 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 बधाई देते हुए क्योंकि वो टीम इतना अच्छा काम कर रही है, वेदपाल भाई जी आपका बहुत अच्छा प्रचार कर रही है ये टीम और आपके बहुत सहयोग में ये टीम खड़ी है और मैं उस टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, वो पूरी टीम खड़ी हो जाए और मैं उनका पूरा सम्मान देती हूँ और उन भाइयों से कहती हूँ कि भाइयों जिस आप उत्साह से लगे हो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसी उत्साह से लगे रहना, अगर जरा सा भी कम हो गया क्योंकि अब बात अंत पे आ रही है 6 महीने बाद और हाँ तो मैं अपना जो मेन नाम है वो तो मैं बोल दूँ। दूसरा अब एक बात मैं बोल दूँ क्योंकि समय लेट हो जाता है तो अपनी बात हम रख नहीं पाते हैं, अभी मैं महिलाओं के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं का आरक्षण होने जा रहा है, ये फाइनल भी हो गया है और मातृशक्ति के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े और अपनी टीम जो काम कर रही है, अभी एक बात आई थी कि एक महिला विंग बनाई जाए वो भी बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए कहती हूँ कि वो बहुत अच्छा सुझाव है, उस पर जोर दिया जाए, जो भी समाज के लोगों से भी मैं कहती हूँ जो भी टीम चला रहे उसमें ऐसी टीम बनाई जाए और महिलाओं से भी कहती हूँ कि बहुत आगे बढ़ के आए क्योंकि हम अपना 50% लेके रहेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है, मंच पे अगर जगह बना सकते हैं तो वहां भी बना सकते हैं, अगर हम मंच पे बैठने की जगह बना सकते हैं आज एक महिला है कल 10 महिलाएं इस मंच पे दिखाई देंगी, ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। और जो भी समाज के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि इस टीम को ऐसे ही बनाए रखें और जो हमारी एक ग्रुप में चर्चाएं चलती है उसमें जो योजनाएं सरकार की तरफ से आई हुई है, मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई है तो जो भी सरकार की तरफ से योजना आई है उनको सभी को बताएं और जो कोई व्यक्ति लाभ ले सकता है उसको उसका लाभ भी दिलाएं। ठीक है जी, मैं इसके साथ अपना अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि बोला नहीं जा रहा यहाँ पे और इसी के साथ जो भी समाज